ऐसा हो सकता है कि टॉमसन चिंकारे दूसरी तरफ की हरी घास को पाने के लिए बेचैन हो। उनके लिए नदी पार करना एक रोमांचक यात्रा है। नदी के तेज बहाव का मुकाबला करने के लिए वो छोटे हैं, तो इंतजार करते हैं। पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने सारे डर और हिचकिचाहट के बावजूद दूसरी ओर के कुदरती नजारों के मोह को रोक पाना मुश्किल है। प्रवास करने की जबरदस्त इच्छा करने वाले अक्सर इस जिद की कीमत अपनी जान पे कर चुकाते हैं। आपस में खाना बांटना मगरमच्छों के बीच की पुरानी परंपरा है। एक मादा भी दावत में शामिल हुई है, लेकिन शिकार दो के लायक बड़ा नहीं है। चिंकारा बांटने लायक शिकार नहीं है। इस बात को मानते हुए मेहमान को सिर्फ नदी किनारे तक पहुंचना है और मगरमच्छ के मनपसंद काम में साथ देना है, यानी आराम करना। ऐसा लग सकता है कि शिकारी बेरहम होते हैं, वो बिल्कुल दया नहीं दिखलाते, लेकिन वो तभी मारते हैं जब वो भूखे होते हैं। उनका संभावित शिकार ये समझ जाता है। हमने देखा भी है कि झुंड अक्सर अपने साथ साथ चल रहे शेर से अनजान रहते हैं, लेकिन अक्सर एक झुंड को ये आभास हो जाए कि शेर भूखा है तो वो तेजी से भाग निकलते हैं। अक्सर शेर झुंड में शिकार करते हैं, या यूं कहें शेरनियां झुंड में शिकार करती हैं। शेर शिकार करने में भाग नहीं लेते, वो शेरनी के लायक खाने से ही संतुष्ट रहते हैं। शेरों को सबसे ज्यादा गुनों और जेबरे पसंद हैं, धीमी रफ्तार वाले जानवर जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, हिरन या चिंगारी नहीं। असल में तो किसी भी जानवर का शिकार करना हमेशा मुश्किल होता है। झुंड में शिकार करते हुए शेरनियां शिकार की चलने की दिशा में इंतजार करती हैं, लेकिन एक पिछली ओर रहती है, तो सही वक्त का इंतजार करती है और फिर अचानक एक साथ निकलकर सीधे झुंड की ओर जाती है। जो जानवर निशाने पर होता है वो डरकर सभी दिशाओं में भागता है। पूरा मौका है कि यह हमला कामयाब रहेगा। ऐसा कहते हैं कि जेबरों के पास शेरों को झांसा देने का गुण होता है। जब वो तेजी से दौड़कर शेरों से बचकर भाग रहे होते हैं, तब उनकी पट्टियां एक ऐसा दृष्टि भ्रम पैदा करती हैं कि शेर के लिए मुश्किल हो जाता है कि कहां एक जेबरा शुरू हुआ और दूसरा खत्म। बदकिस्मती से जेबरों के लिए इस बार ये इतना असरदार नहीं रहा। शेरनी गला घूंट कर मारती है और ये एक धीमी मौत होती है। शिकार सांस लेने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन मौत आने में 10 मिनट तक लग सकते हैं। अकेले शिकार करने वाली शेरनियों की संख्या कम है।